हम ये देखते हैं कंगना राणा तो राजपूत है और वो जो कहती है वो करके दिखाती है। ये जो सारा ड्रग्स का नेटवर्क है इसके तार दुबई से जुड़े हुए हैं। इम्तियाज खत्री जो है इसका नाम लिया अशोक सरावगी जो कि श्रुति मोदी के एडवोकेट, कि उनका बॉलीवुड से क्या लेना देना, फिल्मों से, तो फिल्मों से क्या लेना देना, सबूत है मेरे पास। मैं उस VVIP यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट लिमिटेड, आपको पता है इस सारे केस के अंदर तीन तीन तो आदित्यों के नाम उछल चुके हैं, आदित्य ठाकरे, आदित्य चोपड़ा, आदित्य पंचोली। सबसे बड़े डीलर वर्ल्ड के अंदर है वो कौन है, विक्की गोस्वामी, ममता कुलकर्णी के हस्बैंड, और उस बंदे ने दुबई की जेल से छूटने के लिए इस्लाम भी कबूला था। पूरी मीडिया हल्ला मचा रही है, केवल 20 पेज की चैट लीक हुई है, उसी को शोर मचा दिया, जबकि चैट कितनी है, 4000 पेज की चैट रिया चक्रवर्ती की, 4000 की। अरे कंगना कोई तेरे संगना, भैया जिसके खून में दम होता है ना वही लड़ता है इस देश के अंदर। अरबाज खान 2 साल पहले जो 2018 के अंदर सट्टेबाजी के मामले में पकड़े गए थे। भारत सरकार का पूरा तंत्र इस समय कहां पर है, मुंबई के अंदर हड़कंप इसलिए है, इसीलिए मैं कहता हूं CBI के घेरे में है और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। जो कहते हैं ना हरियाणा पुलिस क्यों फेमस है, हरियाणा पुलिस इसलिए फेमस है क्योंकि डंडे मार मार के गुलवाया करती है। हिंदुस्तान के देहात में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो ये वो गधे हैं जिनको हरा चश्मा लगा दिया, सारी घास हरी हरी, वो कह रहे हमारे पीछे पीछे 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी दान तेरे कदमों के नीचे आ गई, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट तो चल नहीं रही, दुबई कैसे भागे, यूरोप कैसे भागे, घर में भी बैठे हैं, कॉल डिटेल निकाली जा रही, फोन बंद कर दिए, दूसरे के फोन से काम कर रहे, घर में फोन कर करके दिल्ली कर रहे, मेरा नाम तो नहीं आ रहा, मेरा नाम तो नहीं आ रहा, गूंगी गुड़िया बेच रही थी पुड़िया। तो अगर 8 जून को भी लिया है तो अभी 10 दिन है नार्को ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में, करा लो उसका हेयर ड्रग टेस्ट, हेयर ड्रग टेस्ट से आ जाएगा, 90 दिन के अंदर लिया, खेल खेल यहीं पे पूरा हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कंगना रनावत के उस ट्वीट के बारे में कि जो संजय राउत की धमकी के बाद वो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि 9 सितंबर को मैं आ रही हूं, अगर हिम्मत है तो रोक लो। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ मंजीत जी हैं। मंजीत जी, काफ़ी संघर्ष के साथ आप भी काम कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें खोज खोज करके भी ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से संजय राउत का बयान आता है और उसके बाद कंगना रनावत कहती है 9 तारीख को आ रही हूँ, हिम्मत हो तो रोक लो, क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कंगना रनावत राजपूत है और वो जो कहती है वो करके दिखाती है। कंगना रनावत, मैं आपको बता दूँ, 4 लोगों को मैंने गिन रखा है बॉलीवुड के अंदर कंगना रनावत, राजनीति के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी, मीडिया के अंदर अर्णब गोस्वामी, इन लोगों ने कैंपेन को लीड किया है और सोशल मीडिया के अंदर एक्टिविस्ट जो लोग हैं हमारे जैसे लोग। और आज आपको मैं बता दूं कंगना रनावत ने अपने इंटरव्यू में अर्णब गोस्वामी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुशील जी ये बोला है कि 2010 के अंदर एक बहुत बड़ा सुपरस्टार ड्रग्स ओवरडोज में कोकिलाबेन हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुआ था और हमारी रिसर्च ये कहती है, अब आप व्यूवर्स आइडिया लगा लेंगे, हमारे सर जी कहती कोकिलाबेन हॉस्पिटल में 2010 के अंदर ऋतिक रोशन एक एंटीबायोटिक के ओवरडोज के चक्कर में वहाँ भर्ती हुए थे, ऐसा रिपोर्ट मीडिया के अंदर था। अब व्यूवर्स आप अंदाजा लगा लो वो किस तरह इशारा कर रही है। और अप्रैल 2018 की वो पार्टी करण जौहर की जिसके अंदर किस किस ने ड्रग्स लिए हुए थे, एक एक नाम मतलब ड्रग्स की पार्टी थी। अब उसमें कौन कौन थे ये तो ब्लड सैंपल बताएगा, लेकिन उनमें पार्टी में कौन कौन थे उनके नाम बता देता हूँ। रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, ये एक एक के मैंने नाम बताया, शाहिद कपूर भी उसके अंदर था और करण जौहर भी उसके अंदर थे। और ये सारे वीडियो खुद करण जौहर ने अपने मोबाइल से शूट करके डाले थे, तो ये सारे लोग उसके अंदर थे। उस पर FIR करवाई थी मनिंदरजीत सिंह सिरसा ने जो कि BJP के MLA हैं दिल्ली से। और आपको मैं और एक विशेष बात बता दूँ, ये जो सारा ड्रग्स का नेटवर्क है इसके तार दुबई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रग पेडलर है वो कौन है, इम्तियाज खत्री। इम्तियाज खत्री जो है इसका नाम लिया अशोक सरावगी जो कि श्रुति मोदी के एडवोकेट है। श्रुति मोदी कौन है, श्रुति मोदी है सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर और श्रुति मोदी का नाम है सुशांत के पिता की FIR के अंदर उसका नाम एक्यूज के तौर पर है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ श्रुति के एडवोकेट को भी, श्रुति को भी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े ड्रग पेडलर का नाम लिया है। तो इम्तियाज खत्री का मैं नाम लिया। इम्तियाज खत्री कौन है, इम्तियाज खत्री ऐसी कोई बॉलीवुड में पार्टी नहीं होती इसके अंदर वो नहीं होता है। इम्तियाज खत्री की एक फिल्म निर्माण की कंपनी में, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनका बॉलीवुड से क्या लेना देना फिल्मों से, तो फिल्मों से क्या लेना देना, सबूत है मेरे पास। मैं उसकी फिल्म निर्माण की कंपनी है, वो फिल्म निर्माण की कंपनी की डिटेल मेरे पास में है, उसकी कंपनी का नाम है VVIP यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट लिमिटेड, 24 जुलाई 2017 को रजिस्टर्ड की गई है और इस कंपनी का जो एड्रेस है वो है बांद्रा वेस्ट मुंबई। अब बताइए ये डिटेल है हमारे पास में। अब दूसरी बात, ये बंदा है, ये कैरेक्टर है, ये दोस्त जो है वो है सूरज पंचोली का दोस्त है, ये अच्छा खासा दोस्त है उसका। अब ये सारे नाम जुड़ रहे हैं, आपको पता है इस सारे केस के अंदर तीन तीन तो आदित्यों के नाम उछल चुके हैं, आदित्य ठाकरे, आदित्य चोपड़ा, आदित्य पंचोली। और आदित्य संस्कृत भाषा का शब्द, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य,
सूर्य जो चमकता है, और ये कौन से, ये तो ड्रग की चमक दिखा रहे हैं भाई साहब। और जो खेल है सारा का सारा, देखिए सुशांत सिंह राजपूत का ये अकेला केस मुंबई की उस सारे काले वर्ल्ड को निकालेगा। अंडरवर्ल्ड का जो वहाँ पे पैसा लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस वहाँ पर हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग, और वहाँ दुबई से जो ड्रग्स आता है, सुशील जी नोएडा और दिल्ली के अंदर जो है हवाला का पैसा नहीं आता, क्योंकि वो आता है समुद्री जहाज नोएडा में नहीं उतरते, वो दुबई से मुंबई में आते हैं। और इसके जो सबसे बड़े डीलर वर्ल्ड के अंदर है वो कौन है, विक्की गोस्वामी, ममता कुलकर्णी के हस्बैंड, और दाऊद इब्राहिम डी कंपनी, ये सबसे बड़े डीलर हैं। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क चलता दुबई से और कराची से, और विक्की गोस्वामी का नेटवर्क चलता मुंबासा केन्या से। और यूएस का जो सबसे बड़ा ड्रग रैकेट आज तक पकड़ा गया है, उस ड्रग रैकेट के अंदर भी विक्की गोस्वामी का नाम था, ममता कुलकर्णी के हस्बैंड हैं, और उस बंदे ने दुबई की जेल से छूटने के लिए इस्लाम भी कबूला था। और विक्की गोस्वामी का मैंने अगर नाम लिया है, उसकी कंपनी के ड्रग्स सन 2016 के अंदर मुंबई के पास पुणे में 2000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। मैं बड़े डीलर बता रहा हूँ जो हाईएस्ट लेवल पे, आज इनकी जांच चल रही है, पूरे बॉलीवुड के अंदर हडकंप है, हैरानी परेशानी ये सब कुछ छाई हुई है। अपने कॉल से भी कॉल नहीं कर रहे बॉलीवुड के स्टार, कहीं पकड़ ना ले कोई, चैट सामने ना आ जाए, क्योंकि चैट का मैं क्यों बता रहा हूँ सुशील जी, पूरी मीडिया हल्ला मचा रही है, केवल 20 पेज की चैट लीक हुई है, उसी को शोर मचा दिया, जबकि चैट कितनी, 4000 पेज की चैट रिया चक्रवर्ती की, 4000 की, हमारे भी सोर्सेस हैं, 4000 पेज की चैट सीबीआई और ईडी के हाथ लगी हुई है, उसमें से केवल 20 पेज की नॉर्मल सी चैट को पूरी मीडिया हा हल्ला करके दिखा रही है। तुम में दम है ना, तो जो बॉलीवुड के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं उनका स्टिंग ऑपरेशन करके लाओ, जो वीआईपी पार्टी है जिनका कंगना ने नाम लिया, कंगना ने कहा है कि 99% ड्रग लेते हैं, तो निकालो 99% कहाँ पे है, लगाओ कैमरा करो, तुम में दम है तो। तो बॉलीवुड वाले भी हैं कह रहे हैं कि जैसे कि 99% का उन्होंने नाम लिया है, तो कंगना को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है कि इस तरीके से कैसे नाम ले सकती हैं। जैसे अभी आपने ममता कुलकर्णी का नाम लिया, और भी बाकी नेता हैं, अभिनेता हैं, उन्होंने कहा है कि मुंबई हिंदुस्तान है, ये तो पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, इस तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं बॉलीवुड की तरफ से। अगर सुशांत इस दुनिया से जाते हैं तब प्रतिक्रिया नहीं आती है, अगर कंगना रनावत ड्रग्स माफियाओं के नाम लेती है तो प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। अरे कंगना कोई तेरे संगना, तो कंगना रनावत ने नाम लिया है भैया, वो दमदार लेडी है, गांव से आई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वो जो है एक राजपूत लड़की है, उसके अंदर दमखम है, और वो राष्ट्रवादी है, और उसने जो है देशभक्त है वो पूरी तरीके से, भैया जिसके खून में दम होता है ना वही लड़ता है इस देश के अंदर। आप देखिए ना भारत की जो आर्मी है उसके अंदर राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, ये लड़ाई लड़ने वाले मार्शल कॉम के लोग हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले खानदानों से आए हुए लोग हैं, कोई ऐसे वैसे चलती फिरती चीज़ नहीं है ये, और जमीनी लोग हैं। और मैं बता दूँ आपको सुशील जी, आज एक और बात, कल इंटेरोगेशन किया किससे, बंटी सचदेव से। बंटी सचदेव कौन है, कॉर्नर स्टोर नाम की एक कंपनी है जिसके अंदर दिशा सालियान काम करती थी, उस कॉर्नर स्टोर कंपनी का सीईओ, एक कंपनी ब्रांड मैनेज करती है विराट कोहली का, केएल राहुल का, रविंद्र जडेजा का, युवराज सिंह का, सानिया मिर्जा का, हरियाणा की जाट छोरी विनेश फोगाट का, और बंटी सचदेव की बहन सीमा सचदेव वाइफ है सोहेल खान की, बंटी सचदेव के जो फर्स्ट कजन है वो रोहित शर्मा की वाइफ है, और बंटी सचदेव जो है बहुत, जो एक ऐसा करेक्टर है जिनके बीइंग ह्यूमन अरबाज खान से रिलेशन, और सट्टेबाजी में मामला है, क्रिकेट बैटिंग में मामला है, कैसे अरबाज खान सोहेल खान से रिलेशन है ना, अरबाज खान 2 साल पहले जो है 2018 के अंदर सट्टेबाजी के मामले में पकड़े गए थे, ठीक है ना, मैं एविडेंस के साथ बता रहा हूँ हर चीज़ एविडेंशियल। और दूसरी बात सुनिए आप, कल इंटेरोगेट किया उनसे, ड्रग चैट सारे सामने आ रहे हैं, सारा खेल हो रहा है, अब ये इतना सारा गेम क्यों हो रहा है, क्योंकि सीबीआई रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, ईडी रिपोर्ट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिपोर्ट करता होम मिनिस्ट्री को, और आपको बता दूं ये सारी एजेंसी सीबीआई ईडी और ये रिपोर्ट करते पीएमओ को, होम मिनिस्ट्री, मतलब भारत सरकार का पूरा तंत्र इस समय कहां पर है, मुंबई के अंदर हड़कंप इसलिए है क्योंकि उनकी सेटिंग मुंबई तक थी, उनकी सेटिंग पीएमओ और एचएमओ के अंदर नहीं है, और इसीलिए उन पर उस कार्रवाई से डर रहे हैं। वो पता क्या सोचते हैं, मैं भारत के व्यूवर्स से चाहता हूँ, वो सोचते हैं कि 3-4 लोगों को सजा हो जाए, चलो रिया चक्रवर्ती को 10 साल की सजा हो जाए, सोवक चक्रवर्ती को हो जाए, इंद्रजीत चक्रवर्ती को हो जाए, श्रुति मोदी को हो जाए, चलो हो गई, सिद्धार्थ पिठानी को सजा करवा दो, दीपेश, इनको नीलेश वीरेश, ये छोटे मोटे करेक्टर हैं, तो इससे सारा नेटवर्क खत्म हो गया, इस देश की पीढ़ियाँ बच गई सारे मामले से। इसीलिए मैं कहता हूँ सीबीआई के घेरे में है और इनका फ्यूचर अंधेरे में है,
ये जो है सारा का सारा जो नेक्सस निकल रहा है एक बड़े नेटवर्क के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूरा मैंडेट दिया होम मिनिस्ट्री ने, यहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें जो होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बोला है खुली छूट है, ढंग से काम करो, और वो उन्होंने रिमांड पे दिया है, रिमांड पे दिया जैद नाम के लोग को, क्योंकि बगैर रिमांड के बगैर नार्को टेस्ट के लोग बता नहीं सकते, जब तक डंडे नहीं लगते हरियाणवी स्टाइल आन मिलो सजना नहीं बताएंगे भैया, नॉर्मल बातचीत में कोई नहीं, हाँ ऐसे थोड़ी बताते हैं। वो जो कहते हैं ना हरियाणा पुलिस क्यों फेमस है, हरियाणा पुलिस इसलिए फेमस है क्योंकि डंडे मार मार के गुलवाया करती है, और ये बगैर डंडे के जो डंडे के यार है, कहते हैं कि हमारे हरियाणा हिंदुस्तान के देहात में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये भाई ऐसे वैसे मानने वाले लोग नहीं है। जहाँ तक बात है इनको ये विश्वास कैसे हो गया कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं होगा, आपको एक कहावत बताता हूँ कि एक कहावत है कि एक गधा था, वो गधा जो था केवल हरी घास खाया करता था, और एक दिन एक जो है जो उस गधे को कोई मालिक खरीद के ले गया तो उनके इलाके में केवल सूखी घास होती थी, तो वो गधा भूखा मरने लगा, तो लोगों ने कहा भाई ये गधा तो भूखा मरने लगा इसका क्या करें, तो उन्होंने कहा कि इसको हरा चश्मा लगा दो इसको सारी घास हरी हरी नजर आएगी। तो ये वो गधे हैं जिनको हरा चश्मा लगा दिया सारी घास हरी हरी, ये कहते ना हरे में फूट गई, अरे भाई मेरे इनके तो हरे में फूटी हुई है, यहाँ से जब सारी एजेंसीज वहाँ पे गई है ना वो कह रहे हमारे पीछे पीछे सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी दान तेरे कदमों के नीचे आ गई, क्यों क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट तो चल नहीं रही, दुबई कैसे भागे यूरोप कैसे भागे, घर में भी बैठे हैं कॉल डिटेल निकाली जा रही, फोन बंद कर दिए, दूसरे के फोन से काम कर रहे हैं, घर में दुब फोन कर करके दिल्ली कर रहे हैं मेरा नाम तो नहीं आ रहा भाई मेरा नाम तो नहीं आ रहा है। अरे भैया जो जो उसके अंदर दो एक और नया बात बता दूं आपको मैं इसी के साथ जुड़ता हुआ, बेंगलोर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा है और वहाँ की एक एक्ट्रेस को पकड़ा है डी अनिका। अब आप कहोगे ये किस क्यों बता रहे हो, उस डी अनिका और उसके साथ में आर रविंद्रन उनकी चैट में साउथ के टॉप 10 स्टार पहले 10 स्टार के नाम है उसके अंदर। और वो ड्रग्स कहाँ से आया था, वो ड्रग्स आया था ब्रुसेल्स से जो बेल्जियम की राजधानी यूरोप के अंदर, और वहाँ कहाँ से आया, वहाँ एक टुमारोलैंड नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और वो जो है एक अय्यासी का फेस्टिवल है, उसके अंदर नाच गाना होता है डांस होता है और उसमें पूरे यूरोप और यूएस से लोग आते हैं, उसके अंदर ड्रग का रैकेट पकड़ा गया था, यूरोप का आज तक का सबसे बड़ा रैकेट जिस जगह पकड़ा गया वहाँ से ड्रग सप्लाई हुए, कहाँ पे, यहाँ पे हुए हैं बेंगलोर के अंदर। और उसमें इसका मतलब क्या है कि साउथ की भी पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स में खोई हुई है, पुड़िया गूंगी गुड़िया बेच रही थी पुड़िया। और दूसरी बात आपको बता दूं मैं आज आपके चैनल पे एक विशेष बिल्कुल नई बात बता रहा हूं, रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि मेरा ब्लड टेस्ट कर लो, पता क्यों कहा है, क्योंकि उसे पता कोकेन जो ब्लड के अंदर होती है केवल 15 दिन तक ही सामने आती है अगर टेस्ट करते हो तो, और गांजा जो आता है वो केवल दो दिन तक आता है अगर उसका टेस्ट करते हो तो। लेकिन एक नया टेस्ट बता रहा हूँ, हेयर ड्रग टेस्ट, क्यों बता रहा हूँ मैं, देखो मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो मुझे मैंने जानकारी निकाली है कि हेयर ड्रग टेस्ट 90 दिन तक भी अगर आपने ड्रग्स लिया तो 90 दिन भी आपके हेयर फॉलिकल्स निकाल करके बताया जा सकता है। और आज सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास 10 दिन का टाइम है, अगर उसने आखिरी बार 8 जून को ड्रग्स लिया मान के चलिए इस इंटरोगेशन में उसने नहीं लिया, तो अगर 8 जून को भी लिया है तो अभी 10 दिन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में, करा लो उसका हेयर ड्रग टेस्ट। और ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ मैं, एक बिल्कुल नई बात है, हेयर ड्रग टेस्ट कराइए आप, हेयर फॉलिकल्स निकालिए, उसमें मैं बता देता हूँ उन ड्रग्स के नाम भी कौन कौन से बता सकते हैं, मेटाफीन पीसीबी उसके अंदर मरीजवाना को उसमें जो है कोकेन, लेकिन उसमें एमडीएम में नहीं आता, आज आपके चैनल पे ये बात पहली बार खुलासा कर रहा हूँ। दूसरी बात सुशील जी, हेयर ड्रग टेस्ट में सारा खिला सकता, वो पता क्यों कहा उसने, मेरा टेस्ट करा लो, इसलिए कहा उसे पता मैंने 25 इतने कुछ दिन से लिया ही नहीं है, हेयर ड्रग टेस्ट से आ जाएगा 90 दिन के अंदर लिया, खेल खेल यहीं पर पूरा हो जाएगा।